अप्रैल को देर रात 300 मिसाइल और ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला किया। इसके बाद से सारी दुनिया की निगाहें इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर हैं और इजराइल भी एक्शन मोड में है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि हमला कब है और कैसे किया जाएगा, लेकिन जब हमला होगा तो ईरान पर किन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसराइल और ईरान में तनाव चरम पर है। कल इसराइल में हुई कैबिनेट बैठक में ये साफ हो चुका है कि इसराइल जवाबी कार्यवाही जरूर करेगा, लेकिन हमले के लिए वो क्या ऑप्शन चुनेगा और किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा वो श्रेष्ठ भारत आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा है। ईरान से इसराइल की दूरी 1800 किलोमीटर है। दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती। इन दोनों देशों के बीच कई देश ऐसे भी हैं जो अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने की इजाजत युद्ध के लिए नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है इसराइल अपने लड़ाकू विमानों, अपने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की मदद से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी निशाना बना सकता है। लेकिन अगर इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम को बर्बाद करने का प्लान बनाया है तब क्या होगा? इसराइल और ईरान के एयरफोर्स को कंपेयर करें तो दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है? दोनों देशों की हवाई ताकत की बात करें तो इसराइल ईरान से कहीं आगे है। ईरान के एयरफोर्स के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में है जबकि 358 एक्टिव है। वहीं इसराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट है। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स है जिनमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इसराइल के पास 241 फाइटर जेट्स है जिनमें से 193 हमले के लिए रेडी रहते हैं। ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट प्लेन है जिनमें से 56 एक्टिव है। इसराइल के पास 12 है जिनमें से 10 एक्टिव सर्विस में है और 2 स्टॉक में है। ईरान के पास 102 ट्रेनर्स है और इसराइल के पास 155 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 84 रेडी मोड में हैं, जबकि इजराइल के पास 146 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, जिनमें से 117 एक्टिव मोड में हैं। ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि इजराइल के पास 48। इजराइल अपने क्षेत्रफल से आकार में कई गुना बड़े ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका से लिए स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 की मदद ले सकता है। इजराइल सीरिया की सीमा के पास से अपने फाइटर जेट्स की उड़ान भरवा सकता है जहां से उसके विमान सीरिया, तुर्की, सऊदी के आसमान से उड़कर ईरान तक पहुंचेंगे। इजरायली सेना अपनी देश की सुरक्षा के लिए लंबी दूरी के लक्ष्यों पर हमले के लिए तैयार बैठी है। इसके लिए वो अपने सबसे शक्तिशाली और विनाशक हथियारों से हमले कर सकता है जिनमें कम वक्त में ज्यादा तबाही बचाई जा सकती है। इसराइल अपनी जवाबी कार्यवाही में F-35 और F-15EX का इस्तेमाल कर सकता है। इजरायली एयरफोर्स ने इन दोनों एयरक्राफ्ट के साथ ईरान के खिलाफ हवाई हमले की जबरदस्त प्रैक्टिस की है। ये दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट कई तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है, जिनमें से F-35 का इस्तेमाल ईरानी एयर डिफेंस को तोड़ने के लिए किया जा सकता है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आते। इसराइल के F-15 ईगल या F-15EX लड़ाकू विमान 5000 पाउंड के अमेरिकी GBU-72 बम के साथ हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा ये लड़ाकू विमान अलग अलग टारगेट के लिए 2000 पाउंड के छोटे बमों का इस्तेमाल भी बखूबी कर सकते हैं। इसके अलावा एरो-2 मिसाइल, जिसे हट्स के नाम से भी बुलाते हैं, से हमले को अंजाम दिया जा सकता है। ये मिसाइल वायुमंडल के बाहर जाने की क्षमता रखती है। इसकी गति सबसे खतरनाक है। ये 1 सेकंड में 2.5 किलोमीटर जाती है यानी कि 1 घंटे में 9000 किलोमीटर की स्पीड। पहले ईरान ने इसराइल पर हमला किया और अब इसराइल भी हमले की रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन दोनों देशों के बीच विवाद क्यों हो रहा? जो दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक वक्त ऐसा था जो ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे। यहाँ तक कि इजराइल को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में ईरान भी था। आज से लगभग 75 साल पहले 1948 में पहली यहूदी राष्ट्र इजराइल का निर्माण हुआ। नया नया यहूदी देश इजराइल ईरान को हथियार और तकनीक देता और बदले में तेल लिया करता था। दोनों के बीच रिश्ते इतने अच्छे थे कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के इंटेलिजेंस सावाक को खुफिया कामों की ट्रेनिंग तक दी। दोनों के बीच ईरान की इस्लामिक क्रांति की वजह से दुश्मनी की नींव डली। 60 के दशक से ही ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी ईरान के मुस्लिम देश बनाने की बात करने में लगे थे। तब इस देश पर राजा शाह रजा पहलवी का शासन था जिनके अमेरिका और इसराइल से बढ़िया रिश्ते थे। खुमैनी इन दोनों देशों को ही शैतानी देश कहा करते और मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाते रहे, जिसके बाद धीरे धीरे हवा खुमैनी के पक्ष में आ गई और हालात इतने बिगड़ गए कि रजा को देश छोड़कर भागना पड़ा। वही
1979 में ईरान इस्लामिक देश घोषित हो गया, जिसके बाद से उसने अमेरिका समेत सहयोगी देश यानी कि इजराइल से खुलकर नफरत दिखानी शुरू कर दी। रहे सही रिश्ते भी तब खत्म हो गए जब इजराइल को इस बात की भनक लगी कि ईरान उसके विरोधी देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव गहराता चला गया। ये पहली बार है जब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। अभी कुछ दिन पहले दमिश्क में ईरानी एजेंसी पर हमला हुआ था। इस इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद अब ये लड़ाई खुलकर दिख रही है। वहीं इजरायल उन देशों में है जो अपना बदला लेने में पीछे नहीं हटता। तो अब सवाल ये है कि कितनी जल्दी होगा ये हमला, क्योंकि अमेरिका भी इस समय ईरान पर हमला करने से इजरायल को मना कर रहा है, ताकि पहले से ही युद्ध की मार झेल रहे मध्य पूर्व में युद्ध का एक नया मोर्चा ना खुल जाए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।